राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है। एक तरफ जहां बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा समाप्त कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी राजस्थान जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े। दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना सारा जोर लगा रही है। परिवर्तन यात्राओं के समापन पर बीजेपी ने राजधानी जयपुर में बड़ी जनसभा की, जिसे संबोधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर आए। पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी गुलाबी नगरी आए। आपको बता दें कि जेपी नड्डा और अमित शाह राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की मैराथन मीटिंग में शामिल हुए और कोर कमेटी के बाद प्रभारियों की बैठक हुई। उसके बाद नड्डा, शाह और बीएल संतोष ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ भी अलग से मुलाकात की। वसुंधरा राजे और नड्डा शाह की बैठक करीब 40 मिनट तक चली। इस बैठक में किन विषयों पर बात हुई, इसके बारे में अभी तक कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद वसुंधरा की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर सीपी जोशी तक सूबे के लगभग सभी बड़े नेताओं ने मंच पर अपनी बात रखी। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं वसुंधरा राजे को मंच पर जगह तो मिली, लेकिन उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। वसुंधरा समर्थक इसे अपनी नेता का अपमान बता रहे हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से लोगों की जो दूरी रही और कई जगह भीड़ न जुटने से जो उनकी किरकिरी हुई है, उसे देखते हुए बीजेपी सतर्क हो गई और कयास लगाए जा रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर ही कोर कमेटी की बैठक हुई है। कोर कमेटी की बैठक में नड्डा और शाह ने ये साफ कर दिया कि पार्टी किसी को चेहरा बनाए बिना सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। बताया जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक में ये तो साफ कर दिया कि किसी को चेहरा नहीं बनाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महारानी इसके लिए मानेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में बोलने का मौका नहीं मिलने और चेहरा नहीं बनाए जाने को लेकर वसुंधरा की नाराजगी दूर करने के लिए ही नड्डा, शाह और बीएल संतोष ने उनके साथ अलग से मुलाकात की है। सबके मन में ये सवाल है कि ये जो अलग से मुलाकात हुई है, क्या वो है महारानी की नाराजगी दूर करने की बड़ी कवायद है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सूबे के करीब 30 से 35 वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट काटना चाहती है, जिसे लेकर राज्य को आपत्ति है। राजस्थान में बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी रणभूमि में उतारने की तैयारी में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महारानी वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार होंगी, क्या वो इसके लिए मान जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। वहीं बता दें कि पीएम मोदी की जयपुर रैली से पहले शेखावत वसुंधरा से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे, तब इसे पीएम मोदी की रैली से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि इस मुलाकात को लेकर न तो गजेंद्र सिंह शेखावत और न ही वसुंधरा राजे ने कुछ कहा। बीजेपी जहां एक तरफ राजकुमारी दिया कुमारी को वसुंधरा के समांतर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरने की बात करके कड़ा संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महारानी की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती। सी वोटर की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे सबसे लोकप्रिय है और सबकी पहली पसंद वही है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।